कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो जनलोकपाल होगा या जनलोकायुक्त होंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे। ये वाकई बहुत जायज सवाल है, लेकिन इस कानून में ऐसे प्रावधान रखे जा रहे हैं कि जनलोकपाल या जनलोकायुक्त की जो नियुक्ति होगी वहां पर कोई भ्रष्ट व्यक्ति ना पहुंच सके, कोई भ्रष्ट व्यक्ति जनलोकपाल या जनलोकायुक्त ना बन सके। इसके लिए जो प्रक्रिया रखी गई है कानून में वो बहुत ही पारदर्शी और जन भागीदारी वाली रखी गई है। देखते हैं ये प्रक्रिया है क्या। जन लोकपाल और जन लोकायुक्त में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए सही लोगों का चयन हो। लोकपाल के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यापक आधार वाला बनाया जाएगा जिसमें लोगों की पूरी भागीदारी होगी। इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, दो सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के जज, दो सबसे कम उम्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची में से करेगी जो उसे सर्च कमेटी द्वारा मुहैया कराई जाएगी। सर्च कमेटी का काम होगा योग्य और निष्ठावान उम्मीदवारों के नाम चयन समिति को देना। सबसे पहले पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी में से 5 सदस्य चुने जाएंगे। इसमें वो पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी शामिल नहीं होंगे जो दागी हों या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों या अब भी किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हों। ये 5 सदस्य बाकी 5 सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे और इस तरह 10 लोगों की सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सर्च कमेटी देश के विभिन्न सम्मानित लोगों जैसे संपादकों से, वाइस चांसलर से, जिनको वो ठीक समझे उनसे सुझाव मांगेगी। इनसे मिले नाम और उनके सुझाव वेबसाइट पर डाले जाएंगे जिस पर जनता की राय ली जाएगी। इसके बाद सर्च कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें आम राय से रिक्त पदों की तिगुनी संख्या में उम्मीदवारों को चुना जाएगा। ये सूची चयन समिति को भेजी जाएगी जो लोकपाल के लिए सदस्यों का चयन करेगी। सर्च कमेटी और चयन समिति की सभी बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद जन लोकपाल और जन लोकायुक्त अपने कार्यालय के अधिकारियों का चयन करेंगे और उनकी नियुक्ति करेंगे। मेरा देश, मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन। हमने देखा कि लोकपाल के चयन को पूरी तरह से पारदर्शी और जनता की भागीदारी से किया जा रहा है। अगर लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो उसको निकालने की कार्रवाई भी बहुत सिंपल है। कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करेगा, सुप्रीम कोर्ट को हर शिकायत को सुनना पड़ेगा। पहली सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पहली नजर में मामला बनता है तो सुप्रीम कोर्ट एक जांच बिठाएगा। 3 महीने में जांच पूरी होनी होगी और अगर जांच में कुछ सबूत मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस मेंबर को निकालने के लिए राष्ट्रपति को लिखेगा और राष्ट्रपति को उस मेंबर को या चेयरमैन को निकालना पड़ेगा। अगर लोकपाल या लोकायुक्त के किसी स्टाफ के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उस शिकायत को लोकपाल में किया जाएगा और उसके ऊपर 1 महीने में जांच पूरी होगी। और अगर जांच के दौरान उस स्टाफ मेंबर के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं तो उस मेंबर, उस स्टाफ को बिल्कुल अगले 1 महीने में नौकरी से सीधे निकाल दिया जाएगा ताकि वो जांच को बेईमानी से ना करे। भारत की है यही पुकार बार बार और लगातार। लोकपाल के अंदर की जो प्रक्रिया है, कामकाज की प्रक्रिया, उसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए इसमें लिखा गया है। जब जांच चल रही होगी तब जांच से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स भी पारदर्शी होने चाहिए, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो जांच को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जांच में बाधा पहुंचा सकते हैं, तो जब तक जांच चल रही है तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ना दिखाए जा सकें, लेकिन जांच पूरी होने के बाद किसी भी केस में सारे डॉक्यूमेंट्स उस जांच से रिलेटेड वेबसाइट पे डालने जरूरी होंगे लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए, ताकि जनता ये देख सके कि इस जांच में हेरा फेरी तो नहीं हुई कभी। दूसरी चीज, हर महीने लोकपाल को या लोकायुक्त को अपनी वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा कि किस किस की शिकायतें आई, किस किस के खिलाफ आई, मोटे मोटे तौर पे शिकायत क्या थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, कितनी पेंडिंग है, कितनी बंद कर दी गई, कितनों में मुकदमे दायर किए गए और कितनों में नौकरी से निकाला गया या क्या सजा दी गई, ये सारी बातें लोकपाल की या लोकायुक्त की वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। कई बार देखने में आया कि जो जांच एजेंसी होती हैं, जब वहां पर शिकायत की जाए
तो उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती और सेटिंग करके जांच एजेंसी का कोई अधिकारी जांच को बंद कर देता है और जो शिकायत करता है उसे कुछ भी नहीं बताया जाता कि जांच का क्या हुआ। इसीलिए यहां पे कानून में ये प्रावधान डाला गया है कि किसी भी जांच को बिना शिकायतकर्ता को बताए बंद नहीं किया जाएगा। हर जांच को बंद करने के पहले शिकायतकर्ता की सुनवाई की जाएगी और अगर जांच बंद की जाती है तो उस जांच से संबंधित सारे कागजात खुले पब्लिक में डाल दिए जाएंगे ताकि सब लोग देख सकें कि जांच ठीक हुई या नहीं।